राजधानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज सच के साथ। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। अजमेर जिले के नए पुलिस कप्तान राजेंद्र सिंह ने आज संभाला कार्यभार। विधिवत रूप से शुरुआत करते हुए मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि शहर में रात भर गश्त की जाएगी दुगनी और महिला सुरक्षा हेतु उठाए जाएंगे कारगर कदम। ब्याज खोरों से तंग आकर युवक ने की पुलिस कप्तान से शिकायत, थी लिखित शिकायत। कहा अगर मैं फांसी पर लटक जाऊं तो ये ब्याज खोर होंगे जिम्मेदार, की जाए मेरे जान माल की रक्षा। किशनगढ़ नगर परिषद प्रशासन ने चला रखा है पॉलिथिन बंदी अभियान। पर्यावरण हित में चला रहे इस अभियान के तहत परिषद की टीम ने आज बाजे बाजार से जब्त की पॉलिथिन की थैलियां और काटे चालान। तीन वार्डों को जोड़ने वाली लिंक सड़क के निर्माण कार्य का आज अनिता बदेल ने किया शुभारंभ। वार्ड 17, 18 और 19 के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में खर्च होंगे 1,42,00,000 रुपए। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से आज हार्डकोर अपराधी लाए गए जेएलएन अस्पताल। आंखों में तकलीफ की थी शिकायत, उपचार के दौरान अस्पताल बना रहा पुलिस की छावनी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।